तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन के बाद मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाने निकल रहा हूँ, क्योंकि दरअसल बारिश है। तो पुणे में अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा, मतलब आप देख रहे हो कि रोड अभी तो गीला है। मतलब थैंक गॉड कि अभी मॉर्निंग में बारिश नहीं हुआ, वरना आज ही पूरा कैंसिल होता। मेरा बाइक जो है वो 5,900 किलोमीटर पार हो गया है, इसलिए मैं अभी उसको सेकेंड सर्विसिंग के लिए लेने वाला हूँ। फिर आपको सेकेंड सर्विसिंग कितना कॉस्ट है सब कुछ आप डिटेल्स में बता दूंगा आज का वीडियो में। यू टर्न आई घर दरअसल मैं आज बहुत दिन के बाद बाइक पकड़ा हूँ, मतलब लगभग 1,000 तो मैं कितने 7-8 दिन के बाद बाइक राइड करा रहा हूँ पीछे, वरना कभी भी छोटा सा छोटा मोटा कुछ काम रहता है तो काम खत्म फिर बाइक रखो। पता नहीं आज मैं फिर भी मतलब पहली बार वाइड एंगल यूज़ कर रहा हूँ, कैसा आएगा वीडियो वो भी पता नहीं। बारिश नहीं हो रहा है वरना पूरा हुआ कर जाता, वैसे भी मेरे को पूरा खिचड़ खिचड़ बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ऊपर से बारिश भी पूरा बर्बाद हो जाता है। अभी जाऊंगा मैं बाइक को पूरा वॉश करवाऊंगा, फिर वो रबर पॉलिश मारेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा, रूम पे आते आते ही सब बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा गजब जगह में बना है सर्विस सेंटर को, मतलब ये क्यों आ रहा है उसे, मतलब वो जो क्या बोलते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग का सामान आता है ना, पहले इधर आता है फिर यहाँ से वो लोग कुछ बेचते हैं कहाँ पे, वो रहा सर्विस सेंटर वागोली का है ये, बहुत अच्छा है। पिछली बार मैंने किया था, लगभग मैंने 9 बजे गाड़ी दिया, इनका ख़त्म हो गया 11 बजे काम खत्म। इधर रखें तो आई डोंट नो, नेक्स्ट पूछते हैं क्या क्या काम होगा इनका। पूरा कचरा का गोदाम बन चुका है इसका, नेकेड मॉडल का यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कीचड़ आएगा ना खुद को गीला होगा या मेरे को गीला करके छोड़ेगा। सो फाइनली बाइक तो मेरा अप्रूव हो गया है सर्विसिंग करने के लिए, बस मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेट हो रहा था और बैक पे पीछे थोड़ा वाइब्रेट हो रहा था, वो तो बाकी सब करेंगे वो लोग, चैन वेल फॉर लुब्रिकेट सब वो चेंज होगा। प्राइस बोले लगभग 2,000 आएगा, फिर आगे बताऊँगा क्या प्राइस आता है इसका। एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं कार्ड लाना भूल गया, मेरे को कार्ड पेमेंट करना था तो मुझे रूम को लौटना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं बोला है कि उनको मेरे को कॉल कर दीजिएगा जब हो जाएगा, तब वो लोग मेरे को कॉल करेंगे फिर मैं आऊँगा बाइक लेने के लिए। मतलब कार्ड मेरे सामने ही था, मुझे लगा आऊँगा तो फिर से कुछ ज़रूरत नहीं, उन्होंने बोला सर आप रुक जाइए बारिश हो रहा है किधर जाएंगे, 1 घंटे में हो जाएगा आपका काम 2 नंबर पे। सारा हर बार कुछ ना कुछ लफड़ा हो ही जाता है मेरे साथ। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल देखते हैं सेकंड सर्विसिंग, उन्होंने बोला कॉस्ट बोला अप्रोक्स 2,000 के अंदर आएगा, मेरे को पता था 2,000 अंदर ही आएगा। सो फिलहाल बाइक मेरे को अभी मिल चुका है, सेकंड सर्विसिंग जो है कम्प्लीट हो गया सक्सेसफुली, मैंने अभी जस्ट वहाँ से यहाँ तक लेके आया तो मेरे को इंजन साउंड में बहुत चेंजेस मिला, मतलब पूरा जैसे नए टाइम में जैसे आवाज़ आ रहा था ना, मतलब पूरा बेस वाला एकदम वैसा ही बेस आ रहा है। और तो रही बात पैसा की तो बिल इस पर हुआ है, मैं तो देखेंगे 2184, मेरे को उम्मीद था कि हाँ 1900 लगभग 1900 के अंदर रुक जाएगा, बट हो गया 2184। इनफैक्ट जो खर्चा आपको दिखाता हूँ मैं, मतलब मोटुल ऑयल लगाया गया है वो 1437 का हुआ है, और ये कॉन्ज्यूमेबल कुछ किया तो उनका चार्जेस है, और लीव क्लीनिंग वो सब 236,
और ऑयल फिल्टर 76 का है और फिल्टर एलिमेंट कितना है 257। फिलहाल मेरे को दो ही मेजर प्रॉब्लम था, वो था इधर से वाइब्रेशन हो रहा था और पीछे से इधर से बैक से भी वाइब्रेशन हो रहा था। मैं देखता हूँ कि वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया तो मैं खुश हूँ। तो एक बार फिर इसका राइड लेके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस मेरे को फील हो रहा है। गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ हो गया है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना स्मूथ हो जाएगा। तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2000 पार नहीं होना चाहिए था। मैंने जितना भी देखा है, मतलब मैक्सिमम लोग बोले हैं कि 2000 के अंदर ही आता है, बट क्या बोल सकते हैं। हो सकता है कि अभी पैसा का भाव बढ़ सकते, पैसा भाव नहीं, हर चीज़ बढ़ गया है, अभी उनका चार्जेस सब कुछ बढ़ गया होगा थोड़ा। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, तो धीरे धीरे लग रहा था कि पावर कम हुआ है, कम हो रहा है। वैसे तो नॉर्मली, मतलब कुछ दिन चलाने के बाद बाइक लगता ही है कि पावर कम हो गया है। 113 113 हो गया, 300 वेलकम। यार 113 मेन प्रॉब्लम जो है सर्विसिंग की। सर्विसिंग का जो मेरे को उम्मीद था कि थोड़ा कम प्राइस में होगा, लेकिन 2184 मतलब 2200 आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है धीरे धीरे। फिर भी चलो सर्विसिंग तो करना ही पड़ेगा। सेकंड सर्विसिंग हो गया, थर्ड सर्विसिंग, फिर आई डोंट नो सेकंड सर्विसिंग होगा तो मैं उसका प्लास्टर लगाऊंगा। पूर्वक गाड़ी चलाना था, सॉरी सॉरी, धीरे धीरे जाएंगे। मेरे को शांतिपूर्वक चलाना है, ठीक है। चलो फिलहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। आज के समय में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ मिलेंगे। अगर हो सका तो शाम को अगर घूमने का तो उसमें ब्लॉगिंग बना लूँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क पहने, वैक्सीनेशन जरूर कीजिए अपना।